आ रही हूँ। कौन? दरवाजा खोलो आमिर। मैंने कौन सा जुर्म किया जिसकी सजा तुम्हें मिलने वाली है? सुंदस का मर्डर। क्या बक रहे हो? ऐसे बिन बुलाए आना भी मायूब नहीं लग रहा मुझे। जी क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप बैठिए ना। जी आमिर तो आया हूं। आमिर, आमिर सोबिया के सर पे हाथ रख के सिर खुसत करो। बैठ। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे सोबिया। तुम्हारा बहनों ही नहीं बड़ा भाई हूं। मगर मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं अपनी बहन को अलविदा कहने गेट तक नहीं आ सकता। आमिर भाई, आप दिल छोटा मत करें। आप देखिएगा, आपकी बेगुनाही जल्दी साबित हो जाएगी। बिल्कुल, आप शाहरुख भाई पे उम्मीद रखें। अच्छे इंसान है शाहरुख साहब। अरे आप ही बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको आयशा जैसी बीवी मिली। चलो सोफिया, जल्दी करो, बाहर वेट हो रहा है तुम्हारा। क्यों हो गए? ये क्या जा भाई, उसका पांव अभी तक ठीक नहीं हुआ। अब तो काफी दिन हो गए। वो दरअसल वो आप लोग यकीनन हमसे कुछ छुपा रहे हैं। आपने क्या छुपाया हमसे? नहीं कुछ भी तो नहीं, वो तो उसके चोट लगी। ऐसी कौन सी चोट है जो अब तक ठीक नहीं हो रही? आप कैसी बातें कर रही हैं? शेखुफ्ता बहन, वो बचपन में पोलियो हो गया था। क्या? पोलियो? और आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? नहीं, हम चले। नहीं नहीं बेटा, निकाह हो चुका है। निकाह हो चुका है, जानता हूं मैं, लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई। नहीं बेटा, ऐसे ना करो। रुखसती का फैसला बाद में करेंगे। बेटा ऐसे ना करो, तो भाई देखो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी।
और जो हमारी हुई है वो बेटा इमरान इमरान मेरे इमरान शगुफ्ता बहन इमरान इमरान मेरी बात सुन अगर हिम्मत नहीं हुई बहन बेटी का मामला है। बहुत अच्छा किया बेटा बेटा इमरान इमरान बात तो सुन इमरान शगुफ्ता बहन हम बताना चाह रहे थे बता देते तो मामला हल हो जाता मैं उसे समझा देती अब समझा लें आप अब समझा लें देखें ऐसा ना करें मैं देखती हूं हमारी बड़ी बेइज्जती होगी तो गुप्ता बहन बात रोके ना और रोक अरे ये क्या 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 कर रहे हैं क्या 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 मतलब क्या साहब ये क्या मैं खुद ले आया था इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब आपको बेवकूफ बनाया गया और मुझे यूज किया गया देखो बेटी जो भी बात है अब सच सच बता इसलिए कि इनकी शादीशुदा जिंदगी और इनकी बेटी की हालत बहुत ही सीरियस कंडीशन में सोफिया तुम्हारी पसंद थी मेरी तो नहीं ना लेकिन उस वक्त मैं नहीं जानता था कि वो मासूर है पोलियोज़दा है इसका मतलब है कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं थी मोहब्बत तो थी के वास्ते साहब कुछ करें कब तक खामोश बैठे रहेंगे अब होगा क्या कुछ नहीं होगा निकाह हो चुका है अब क्या हो सकता कैसी बातें कर खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे को अगर तलाक दे दी तो क्यों बदशगुनी की बातें मुंह से निकालती हो मर्द के पास है क्या सिवाय तीन अल्फाज के खुदा ना खास्ता अगर मेरी बच्ची को ये तीन लफ्ज कह दिए सारी जिंदगी की रोगी बन जाएगी खुदा के लिए चुप कर जाओ नुसरत कैसे चुप कर जाओ क्यों चुप कर जाओ नुसरत मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल से ना उम्मीद नहीं अभी भी ना उम्मीद नहीं है नहीं दिलासा दे आप मुझे सिर्फ दिलासा दे अंदर से हाथ भी टूट चुके उसे दुख मुझे भी हुआ लेकिन मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो मेरी बेटी को किसी मुश्किल में नहीं डालेगा ऐसा हरगिज नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो छोड़ के चले गए हमारी बच्ची को वो अगर गौर करो नुसरत तो वो हक बचाने में है नाराज होने का पूरा हक है हमने सोफिया के बारे में उन्हें पूरा सच नहीं बताया उन्हें भी दुख हुआ लेकिन मुझे यकीन है कि
कि जब उन्हें हकीकत का पता चलेगा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। मैं स्कूल जा रही हूं। शाबाश बेटा। मुझे बेटा तुमसे इसी हौसले और हिम्मत की उम्मीद। हौसला, आप किस हौसले की बात कर रहे हैं? बेटा जो हुआ, हमारी मां समझ रही थी कि शायद सोफिया टूट फूट जाए, लेकिन नहीं। शाबाश। मैंने ख्वाब देखा था। पास ख्वाब रात के अंधेरों में दफन हो जाते हैं। उनका सोग मनाकर दूसरों को क्यों परेशान करना? शाबाश बेटा, अल्लाह तुम्हें सब्र का सिला देगा। शाबाश बेटा, शाबाश। हम जानते हैं मैं कोई भी काम सिले के लालच में नहीं करती। खुदा हाफिज। आप रोते क्यों नहीं? रोते क्यों नहीं आप? उजरत इसलिए नहीं रोता कि कहीं मेरी बेटी हल्की ना पड़ जाए। मैं कोर्ट जा रही हूँ। क्यों? शाहरुख साहब से मिलना था। चलो बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं अबू, आप आराम करें। आप लोग तो रात भर से डिस्टर्ब हैं। फोन कर लो, जाना जरूरी नहीं। ये बात फोन पे भी हो सकती है कि आप इन्हें गिरफ्तारी दे दी। कोई जरूरत नहीं जाने की। शायद कोई कानूनी तकाजा पूरा करना है। बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, फोन कर दो। वैसे भी शाहरुख की बेटी बीमार है, वो हॉस्पिटल में होंगे। पता नहीं कोर्ट में तुम्हें मिले ना मिले, फोन कर दो। बड़ों की बात मान लेते हैं कभी। शाहरुख साहब नहायत ही शरीफ आदमी है, मगर बुरी मैं भी नहीं हूं। तो क्या मैं बुरी हूं? आपको बेवकूफ बनाया गया और मुझे यूज किया गया। देखो बेटी, जो भी बात है अब सच सच बता दो। इसलिए कि इनकी शादीशुदा जिंदगी और इनकी बेटी की हालत बहुत ही सीरियस कंडीशन। कॉमिक टीम में मुझे हर हालत में सिलेक्ट होना था। मेरे लिए भी ये मामला जिंदगी और मौत वाला था, इसलिए मैं फहद सलीम के हाथों इस्तेमाल होती गई और मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। इसलिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ कि उस दिन क्या हुआ। प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ कि फहद सलीम ने मेरा कैसे मिसयूज किया। इसमें शाहरुख साहब की कोई मिस्टेक नहीं है। मुझे टारगेट फहद सलीम ने दिया था कि इनको ट्रैप करना है, आपका घर बर्बाद करना है।
इमरान बात सुनो बेटा। जी सुनाइए, अगर कुछ और सुनाना बाकी रह गया तो वो भी सुना दीजिए। सोफिया तुम्हारी पसंद थी, मेरी तो नहीं ना। लेकिन उस वक्त मैं नहीं जानता था कि वो मासूर है, पोलियो ज़दा है। इसका मतलब है कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत तो थी। तो बेटा मोहब्बत तो सारे ऐप छुपा लेती है। उसने मुझसे झूठ बोला, अगर बता देती तो मैं कबूल कर लेता उसे। गलती तो हमसे हुई है, हमारी गलती है। हमारी गलती नहीं है, हम क्या उन्हें इज्जत देते? और हमने उन्हें बेइज्जत कर दिया। बेटा होना तो ये चाहिए था कि हम सोबिया को साथ ले आते। मैं कैसी बातें कर रही हैं? एक मांजूर लड़की के साथ पूरी जिंदगी मैं कैसे गुजार सकता हूँ? वो मेरे साथ नहीं चल सकती। चल सकती है बेटा, चल सकती है। बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को चला रही है वो लड़की। उसने अपनी माजूरी को अपनी कमजोरी या अपना ऐब नहीं बनने दिया। अम्मी मैं कोई एनजीओ नहीं। क्या मतलब? वो माजूर होने के बावजूद एनजीओ तो चला सकती है, लेकिन मेरे साथ नहीं चल सकती। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसे तलाक दे दूं और उसे के लिए कागजात बनवाने जा रहा हूं। रुको, ये जज्बाती फैसले नहीं होते हैं बेटा, बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं ये फैसले। तुम क्या करने जा रहे हो तुम्हें पता भी है? शादी करने का फैसला मैंने जज्बात में आकर किया, जल्दबाजी में। लेकिन ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया। इमरान, इमरान मेरी बात सुनो, इमरान। होप कि तुम्हारी गलत फहमी अब खत्म हो गई होगी। अनम ने सब कुछ बता दिया और उस लड़की की बातों पर मैं यकीन करता हूँ। गलत फहमी तो दूर हो गई है, लेकिन शर्मिंदगी नहीं जा रही। हिम्मत करो डैड, हिम्मत ही तो नहीं हो रही कि मैं शाहरुख का सामना किस तरह करूँ। तुम ऐसे करो कि उसके सामने जाओ और खड़ी हो जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शाहरुख का सामना किस तरह करूंगी। तुम्हें उस पर शक करना ही नहीं चाहिए। डैड शक तो आपने भी किया था। मैंने तो कभी शाहरुख पे शक नहीं किया। डैड अब शादी से पहले मुझे कहते थे ना कि शाहरुख सिर्फ जायदाद की वजह से मुझसे शादी कर रहा है। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने ये सोचा था, लेकिन मैं गलत हूँ। मुझसे भी गलती हो गई ना। मोहब्बत में गलती की गुंजाइश नहीं। मैंने शाहरुख को बहुत तकलीफ दी है, बहुत डिस्टर्ब किया है। तुम जाओ, शाहरुख से जाके मिलो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ करेगा। रियली? यस। I'm sorry. सोमी के वालदैन कहां पर हैं? जरा जल्दी आइए। जी जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ? I'm sorry. हम आपकी बच्ची को नहीं बचा पाए।
की गैर हाजिरी को भी उसके खिलाफ इस्तेमाल। और नहीं तो क्या, इसी बात पर तो फैसला हमारे हक में होना है। अदालत शुएब को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। एक बूंद जिंदगी, एक बूंद जिंदगी। शाहरुख आज कोर्ट नहीं आएगा। कोर्ट नहीं आएगा, क्यों? उसकी बेटी की डेथ हो गई है। डेथ? इस वक्त तो वो जनाजे में होगा। मौका अच्छा है सर, इसे भरपूर फायदा उठाएंगे। ऐसा फायदा उठाऊंगा कि शाहरुख को बेटी की मौत के सदमे से ज्यादा सदमा होगा। हाँ, मैं भी इस रोज की किलकिल से तंग आ गया। चाहता हूं कि मेरी जान छूट जाए। समझिए, छूट गई। असलम जेल में है, वही कोई उल्टी सीधी बात कर सकता था। ये खतरा भी टल गया। बिल्कुल, लेकिन अब असलम से कोई ताल्लुक नहीं रखना। हमारा कभी उससे कोई ताल्लुक रहा ही नहीं। हम तो जानते नहीं कि असलम कौन था, कहां रहता था, मर गया है या जिंदा है। गुड, यही अप्रोच होनी चाहिए। मलिक साहब, शाहरुख की गैर हाजिरी को भी उसके खिलाफ इस्तेमाल। और नहीं तो क्या, इसी बात पर तो फैसला हमारे हक में होना है। और अगर ऐसा हो गया सर, अफसोस हुआ भाभी, बल्कि अफसोस का लफ्ज तो बहुत ही छोटा है। हाँ, मेरा भी हल नहीं है। मैं इसे अल्लाह की रजा और मर्जी भी नहीं कह सकती। अल्लाह ने मुझे सुमी जैसी औलाद से नवाजा, मैं बदकिस्मत में उसकी हिफाजत भी नहीं कर सकी। बस भाभी, मजबूरियां होती हैं इंसान की, वरना कोई भी माँ लापरवाही नहीं करती है। मुझसे हुई है। अभी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप इस तरह से अपने आप को अजियत मत दें। क्या करूं, एहसास से जुर्म बढ़ता चला जा रहा है। अभी जो कुछ भी हो गया, उसे इंसान अल्लाह की रजा मानकर अपने दिल को बहला सकता है। हाँ भाभी, अब आप सोबिया को भी तो देखें, उसके साथ भी तो अच्छा नहीं हुआ।
लेकिन वो कितने बड़ेपन से सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। सोभिया, बहुत अफसोस हुआ। किस्मत में ये लिखा था। सुमी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन इमरान की मोहब्बत तो लटाई जा सकती है ना। उससे तुम्हारा निकाह हुआ है, उसे कायल किया जा सकता है। हाँ सोबिया, तो मुझे इमरान का नंबर दो, मैं उससे बात करूँ। नहीं अनायदा, अब अगर इमरान मान भी जाता है तो मुझे वापस लौटकर उसके पास नहीं जाना। सोबिया प्लीज, अब ये जिद नहीं लगाओ। ये जिद नहीं है अनायदा, उसने मेरी माजूरी की इंसल्ट की। मैंने आज तक अपनी माजूरी को कभी अपनी मजबूरी नहीं बनाया और ना ही कभी अल्लाह से शिकायत की। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारी माजूरी की वजह से नहीं, लेकिन उसे छुपाने की वजह से नाराज हो गया हो। मैं अब इस वाकये को भूल जाना चाहती हूँ। नहीं, इमरान से बात की जा सकती है। भाभी प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। जो मैंने गलती की है उसे तुम मत दोहराना। तुम्हारा शौहर है। वो मुझे छोड़कर चला गया था भाभी, मुझे उस वक्त अपने साथ ले जाना, फिर बेशक बाद में मेरे साथ ना रहता, मैं कभी कोई गिला ना करती। उसने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया। अब तो आमिर के मुजरिम साबित होने में कोई शक बाकी ही नहीं रहा माय लॉर्ड। एडवोकेट आतिफ का ही नहीं, सुंदस का मर्डर भी इसी ने किया है। और जेल से फरार होकर इसने साबित कर दिया माय लॉर्ड कि जराइम पेशा अनासिर से इसके ताल्लुकात हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आमिर जेल की वैन से नहीं भागा। जज साहब, इसे किडनैप किया गया था ताकि प्रोटेक्शन के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सके। जी जज साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए थे। मैंने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की है। दरअसल मुझे एक कैदी मिला था। तो इस बात का कोई गवाह, कोई सबूत है आपके पास? मैं गवाह पेश करना चाहूंगा। इजाजत। थैंक यू माय लॉर्ड। मुलजिम फहद सलीम, अदालत के कटहरे में हाजिर हूं और जो भी बात रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं उन्हें बुलाया जाए। ये कुछ तस्वीर है माय लॉर्ड। इन तस्वीर से आप क्या साबित करना चाहते हैं? सुंदस और शुएब के बीच ताल्लुकात और मेरी मौजूदगी। एक दिन मैं फिल्म के सेट पर पहुंचा तो शुएब बहुत खुश था।
इतना मुश्किल काम है, हमें तो बड़ा आसान लगता है घर बैठ के। ठीक है, आप मुड़ जाएं, जैसे मैं रेडी हो। बस ऐसा ही। स्टैंड बाय वकास, रेडी हैं, चलें। एक्शन। नहीं अमाल, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। कट कट, दोबारा होगा। तुम्हारी हीरोइन तो बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता है कि तुम्हारी फिल्म हिट हो जाएगी। फिल्म हिट हो या फ्लॉप, मैं सुंदुस को हीरोइन की बजाय बीवी बनाने का सोचने लगा। बीवी? तुम सुंदुस से शादी करोगे? शादी करूंगा तो मेरी बीवी बनेगी। मैं तुम्हें इस बात का मशवरा नहीं दूंगा। क्यों, जेलस हो रहे हो या फिर रकाबत महसूस कर रहे हो? सारी फिल्म एक्ट्रेसेस, इनकी मोहब्बत और दोस्ती बहुत वक्ती होती है। संदेश जान छिड़कती है मुझे। एक दफा जब फिल्म हिट हो जाएगी ना, फिर तुम्हें पहचाने की भी नहीं होगी। संदेश ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। यार, ये सब ऐसी होती हैं। फिर जिंदा भी नहीं रहेगी। मैंने उस दिन शुएब की आंखों में खून करते हुए देखा, फिर वही हुआ, फिल्म हिट हो गई और सुंदस ने शुएब से नजरें फेर ली। अरे ये क्या, कहां जा रहे हो तुम? सुंदस के पास। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ऐसे लोग तुम जैसे अमीर ज़ादों को यूज करते और उसके बाद भूल जाते। मैं सुंदस को ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते, वो हिट हो चुकी है और सारी फिल्म इंडस्ट्री उसके पीछे है। वो मेरे पैसे से हिट हुई है, करोड़ों रुपया लगाया मैंने उसमें। अब ये बात कोई भी नहीं देखेगा, लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। सूरज को ग्रहण लगा दो। देखो फंस जाओ, ऐसे लोगों के पीछे बड़े बड़े लोग आके खड़े हो जाते हैं। मुझे डरा क्यों रहे, दोस्त हूं तुम्हारा। दोस्त नहीं दुश्मन हो। मुझे लगता है तुम्हारा भी कोई चक्कर है सूरज के साथ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? दोस्त बनकर मुझसे दुश्मनी मत करो। खर्चा मेरा किसे? बहुत गुस्से से वहां से निकले। मैं सुंदस को बचाने की खातिर शुएब का पीछा करने लगा। जब वहां पहुंचा तो शुएब लाउंज पर बैठा इंतजार कर रहा था और दरवाजा अंदर से बंद था। सुंदस, 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 तुम? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ये घर मेरे पैसे से बना है। तुम्हारे पैसे? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। शुएब नाम है मेरा और मैं तुम्हें पाने के लिए किसी हद तक जा सकता हूं। मैं तुम्हें बता चुकी हूं हजार बार, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मुझे तुमसे ही शादी करनी है। जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है। छोड़ो मुझे।
तुम जा दो या मैं गार्ड्स को बुला के धक्के देके निकलूं यहाँ से। गार्ड्स धक्के आज तुम्हें अपने साथ हर कीमत पर लेके जाऊंगा। चलो मेरे साथ, चलो। छोड़ो मुझे। Now get lost. सर ये एक वीडियो है। ये अदालत शुएब को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो कि उम्र भर के लिए माजूर नहीं हो गए। इससे अच्छा था तो मर जा। अल्लाह ना करे बेटा, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि तुम्हें एहसास हो जाता। अगर तुम मुझे खुश और जिंदा देखना चाहते हो तो अपनी जिंदगी में बहुत सी खुशियां लाओ। थैंक यू अंकल। ओके बेटे, खुदा वो बहुत शर्मिंदा है क्योंकि उसकी टांग टूट गई, उसे माजूरी का एहसास हो रहा है, इसीलिए वो शर्मिंदा। नहीं सोबिया, ऐसी बात नहीं है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन सिर्फ टांग टूटने की वजह से नहीं। मिली सॉरी आमिर भाई, लेकिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी।